हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसएस किचन। मैं हूँ शैली। वैसे तो खीर सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेसिपी जिस ढंग से मैं खीर बनाती हूँ। आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी। एकदम थिक और रबड़ी जैसी खीर आज हम बनाएंगे अपनी किचन में। बहुत लजीज लगती है और बहुत ही क्विक बन करके तैयार हो जाती है सिर्फ मुट्ठी भर चावल से। तो चलिए ये देखते हैं कैसे बनाई जाती है रबड़ी जैसी डिलीशियस खीर बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, खीर बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए वो हमारे सामने है। ये मैंने लिया है 1/4 कप चावल, बासमती चावल है। इसको मैंने 7 से 8 घंटे के लिए भिगा दिया था। चावल का भीगना बहुत ज़रूरी होता है खीर बनाने के लिए। और मैंने लिया है ये फुल क्रीम 1.5 लीटर दूध। 1.5 लीटर दूध पे 1/4 कप राइस ही इनफ होता है। अगर आपके पास टूटा हुआ चावल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी, खीर आप जब भी बनाएं बर्तन का जो तला होता है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए, अदरवाइज खीर आपकी बहुत जल्दी लग जाएगी और जला हुआ टेस्ट खीर के अंदर बहुत जल्दी आता है। सो जो भी बर्तन लें ध्यान रखें उसका जो तला हो या उसका जो बेस हो वो थोड़ा थिक हो, उसके अंदर खीर बहुत अच्छी बनती है। सो मैंने ये एक पतीला लिया है, इसमें मैंने 1.5 लीटर दूध उबलने के लिए रख दिया है। दूध बॉयल होते टाइम हम उसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध में बॉयल आ गया है फ्रेंड्स, गैस को मैंने लो कर दिया है। दूध हमारा अच्छे तरीके से पक रहा है। अब ये जो चावल हमने भिगाए थे इनको मैं हाथ से हल्का सा क्रश कर लूँगी इस तरह से, और ये अच्छे तरीके से टूट जाएगा। इन टूटे हुए चावलों को मैं ये दूध में ऐड कर लूँगी। पानी निकाल दिया है मैंने इन चावलों का और इनको मैं चलाऊंगी अब थोड़ी देर। चावल डालने के बाद हमें दूध को कंटिन्यूअसली चलाना है। डोंट फॉरगेट कि चावल और दूध मिलकर के तली में लग सकता है और जलने की स्मेल आ जाएगी, तो इसको हमें फ्रीक्वेंटली चलाना पड़ेगा। फ्लेम शुड बी लो। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा गाढ़ा भी हो चुका है और चावल भी ठीक से फूल चुके हैं। मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप ऑफ शुगर। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से। चीनी घुलने के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर, थोड़ी सी चिरौंजी तकरीबन 1/2 चम्मच, चॉप किए हुए काजू और बादाम, थोड़ी सी किशमिश। ये सब डालने के बाद इसको मैं लो फ्लेम पर अभी और पकने दूंगी ताकि ये और गाढ़ी हो जाए थोड़ी सी और चावल और अच्छे तरीके से फूल जाए। फ्रेंड्स, खीर बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है, चावल का एक एक दाना बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है इसमें एंड कलर एकदम रबड़ी जैसा हो गया है इसका। नाउ आई एम स्विचिंग ऑफ द फ्लेम एंड टू एनहेंस द टेस्ट आई एम एडिंग 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ केवड़ा वाटर। ये एकदम ऑप्शनल है और इसको हम फ्लेम ऑफ करने के बाद ही डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इस खीर को हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर हम इसको सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी डिलीशियस रबड़ी जैसी खीर बन करके एकदम रेडी है। एक बार मेरी ये खीर बनाने की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।